हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी ओरियो बिस्कुट से इडली। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं छोटा छोटा 3 पैकेट ओरियो ले लिया है। इसमें एक ये व्हाइट वाला क्रीम है, दो में और एक में ये चॉकलेट वाला क्रीम है। तो फ्रेंड्स, इससे आज मैं बना लेती हूँ ओरियो बिस्कुट इडली। तो फ्रेंड्स, इसे जो जितनी बिस्कुट है इसे आप एक बोल में ले लीजिए। इस तरह मैंने 3 पैकेट बिस्कुट से आज बनाऊंगी। ये बिस्किट को छोटा छोटा टुकड़ा करके ऐसे छोटा छोटा टुकड़ा कर लूँगी और इसे मैं एक ऐसे आप मिक्सर जार ले लीजिए और एक मिक्सर जार में आप इसे ऐसे दे दीजिए छोटा छोटा टुकड़ा, छोटे छोटे ऐसे करके सारे बिस्कुट को ऐसे ही मैं दे दूँगी। ओरियो बिस्कुट को मैं पाउडर कर लिया है, आप देख सकते हैं ऐसे दरदरा एकदम महीन से पाउडर करके मैं एक बोल में इसे निकाल लेती हूँ। इसके साथ मुझे मिलाना होगा, मैं एक कॉफ़ी के शैशे दे रही हूँ। मुझे कॉफ़ी फ्लेवर अच्छा लगता है, इसलिए अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप इसको ना भी डालें। ऐसे एक बार मिला लेती हूँ अच्छी तरह। इसके साथ मैं यहाँ देने वाली हूँ ये बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर आप दे दीजिए 1/2 टीस्पून, साथ में मुझे देना पड़ेगा बेकिंग पाउडर को मिला लेती हूँ और यहाँ पे 2 टीस्पून शुगर दे देती हूँ। इसे अच्छी तरह मिला लीजिए और अभी यहाँ पे ये जो दूध है इस दूध को थोड़ा थोड़ा मैं मिलाऊंगी और एक बैटर फॉर्म में इसे ले आती हूँ। फ्रेंड्स, अब ये देखिए एक बैटर मैंने बना लिया है। ऐसे इसे साइड कर देती हूँ। अभी मैंने ले लिया है ये इडली मोल्ड। यहाँ पे मैं ऑयल दे के थोड़ा थोड़ा इसमें ऑयल दे दीजिए और इसे ग्रेस करना होगा ताकि मेरी जो इडली है वो चिपके ना। और इसके साथ ऊपर ये जो बैटर है मेरी इसे आप दीजिए। बहुत इजी है लेकिन खाने में अच्छा लगेगा, चॉकलेट बिस्किट वाला ये इडली। अभी इसे अच्छे से टैप करना होगा। मैं एक और कर लेती हूँ।
मैंने एक इडली स्टैंड में पानी, देखिए कि स्टीम हो, देखिए ऑलरेडी से रख दिया है। इसमें मैं ये डाल देती हूँ। ढक के 15 मिनट के बाद मैं देख लूँगी। फ्रेंड्स 15 मिनट के बाद मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। लग तो रही, देखिए फूल गई है, लग रही है। एक टूथपिक ले लिया है और देखती हूँ, नहीं थोड़ा लग रही है इसमें। मैं और 5 मिनट इसे पकड़ करती हूँ। ये देखिए अभी मेरी इडली जो है वो एकदम ठीक ठाक हो गई है। मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ इसे। फ्रेंड्स एक चाकू के मदद से सबसे पहले आप इसकी किनारा जो है उस किनारे को काटिए इस तरह। बहुत ज़्यादा गर्म भी है ये। ये देखिए ऐसे मैं बाकियों को निकाल लेती हूँ। ऊपर से इस तरह आप डेकोरेशन कर सकते हैं या आप कुछ भी और से भी डेकोरेशन कर दीजिए। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी आज की ये बिस्किट इडली अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।